अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं और बाद में भी ज्वाइन करेंगे। मेरा नाम राबिया अज़ीज़ है और मैं शिफाम के साथ आपको वेलकम करती हूँ इनटू आवर अवेयरनेस सेशंस जो हम सिंस कोविड हम ये सेशंस रन कर रहे हैं आपके लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए और बेहतरी के लिए, ताकि हमारे शहरी, हमारे पाकिस्तानी और ज़्यादा जान सकें कि क्या क्या बीमारियां हैं, किन किन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है और किन चीज़ों के लिए बेसिक इल्म ज़रूरी है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बुढ़ापे की बीमारियां हैं, उनको हम किस तरह फ़ाइट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों के लिए वी हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिशनर्स और फिजिशंस जो अपना कीमती वक्त निकाल के आप लोगों की सहूलत के लिए, आपके सवालात के जवाबात देने के लिए हमें ज्वाइन करते हैं। एंड आज हमारे साथ वी हैव न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आफताब अहमद लगारी, जिन्होंने अपना वक्त निकाला है, कीमती वक्त, डॉक्टर्स का वक्त बहुत कीमती होता है एज इज़ फॉर एवरीवन, बट दे आर एट द फ्रंट लाइंस, वो जाने बचा रहे हैं, वो इतना कुछ कर रहे हैं। एंड आज हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर्स के बारे में। So before I take Dr. Aftab with us on stream, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि शिफाम और वन हेल्थ ने join करके forces आपके लिए 50% discount पे लाया है free vitamin D testing and free HbA1c testing. So please, अगर आप ये avail करना चाहते हैं, अपने calcium test और blood sugar test करवाना चाहते हैं, तो call कीजिएगा 0304-111-7428 home sample collection के लिए and join Shifarm app, website या call करके to find out more details. So let's take Dr. Aftab Ahmed Lagari with us on stream. Assalamu alaikum Dr. Aftab. Walaikum salam. कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर आफ्ताब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई नो कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि डॉक्टर्स का वक्त बहुत कीमती होता है, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए ये वक्त निकाल के हमारे शहरियों के लिए, बेहतरी के लिए, उनकी आगाही के लिए, उनको समझाने के लिए, एंड आज का मौजू है अल्जाइमर्स, तो बिफोर वी गेट इन टू द टॉपिक, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी, आप पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और शिफाम का और आपका, ये आपने मुझे मौका दिया। और मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे पटेल हॉस्पिटल कराची में, और मैं प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ कराची में और भी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में। तो मैं तकरीबन 15 ईयर्स हो गए न्यूरोलॉजी जी में, न्यूरोलॉजी की फी, और मैं अभी का एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ पटेल हॉस्पिटल में करंटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर आफ्ताब। डॉक्टर आफ्ताब, जब आप अपने मरीज को जो क्लिनिक में आता है और उनको अल्जाइमर्स के हवाले से आगाही देने चाहते हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन किस तरह शुरू होती है, उनको क्या समझाते हैं आप? बेसिकली अल्जाइमर्स देखें एक ऐसी बीमारी है जो कि जिसमें याददाश्त का प्रॉब्लम होता है पेशेंट्स को। तो जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो इस स्टेज पे आते हैं जब प्रॉब्लम ज़्यादा उनका बढ़ जाता है, या फिर वो जो स्टेज है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी होती है, क्योंकि अल्जाइमर्स जो डिज़ीज़ है वो अर्ली जो डायग्नोसिस है उसकी बहुत अवेयरनेस कम है हमारे माशरे में, लोगों में। और इसको समझने के लिए जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट देखते हैं ऐसे पेशेंट्स, तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ज़्यादातर ओल्डर एज ग्रुप के आते हैं, ज़्यादातर पेशेंट वही होते हैं जिनमें ये बीमारी देखी गई है। और ये बहुत कॉमन एक कॉज है डिमेंशिया का, डिमेंशिया भूलने की कहते हैं कॉज को। इसमें जिस तरह फीवर होता है एक सिम्टम है, तो डिमेंशिया भी एक सिम्टम है, तो अल्जाइमर्स एक कॉज है उसका। लेकिन तकरीबन 50-75% जो केसेस होते हैं डिमेंशिया के, वो अल्जाइमर्स की वजह से होते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ है पाकिस्तान में, तकरीबन 5-8 लाख लोग इसमें मुब्तला हैं। और ये डेटा वो नहीं है कि मैं कैसे कह सकूँ कह रहा, क्योंकि यहाँ पे स्टडीज़ अभी पूरी तरह हुई नहीं है, लेकिन ये है कि अंदाजन जो है वो 5-8 लाख मुब्तला।
और ये बढ़ता जा रहा है, जैसे एज बढ़ती जाती है तो इसका रिस्क भी बढ़ता जाता है। डॉक्टर आफ्ताब, बिफोर हम इस बीमारी के अलामात और उसके साइंस और सिम्टम्स जो भी है उनमें जाने से पहले, जैसे कि आपने कहा कि हमारे पास स्टैट्स और फिगर्स नहीं हैं, इसीलिए जो हमारे पास इस वक्त फिगर्स जैसे आप कोट कर रहे हैं उनको साथ लेते हुए अगर चलें, तो आप अर्ली इंटरवेंशन और अल्जाइमर्स किस तरह टैकल हो सकते हैं? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा सवाल। श्योर, मैंने कहा कि आपने जिस तरह कहा कि जी अल्जाइमर्स जो है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज है, एंड पाकिस्तान में क्योंकि स्टैट्स हमें अवेलेबल सही तरह नहीं होते, तो जो हमारे पास स्टैट्स मुयस्सर हैं उनको अगर हम लेके चलें, जी तो अर्ली इंटरवेंशन का जी क्या रोल हो सकता है अल्जाइमर्स में? अल्जाइमर्स में देखें, इसमें हम इस डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, क्योंकि ये डिज़ीज़ जो है प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है और फिर इस सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, और ये इस डिज़ीज़ का अभी तक क्योर नहीं है कोई। तो अगर किसी को अर्ली डायग्नोस हो जाता है तो फिर हम मेडिसिन से और उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करके इस बीमारी बीमारी को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और उनकी लाइफ, उनकी जो डेली लाइफ है उसको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। और फैमिली को भी उन पता होगा कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम अभी शुरू हो रहा है, तो उनकी सपोर्ट के साथ और मेडिसिंस भी आती हैं इसमें, इसको ताकि इस डिजीज़ की जो जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देती हैं और कॉग्निशन को बेहतर करती हैं, याददाश्त को बेहतर करती हैं, ऐसी मेडिसिंस हैं अवेलेबल। लेकिन वो अगर अर्ली आप तो बीमारी को डायग्नोस कर लेते हैं तो फिर इसमें आप उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। इसका अभी तक क्योर नहीं है इस डिज़ीज़ का, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। प्रोग्रेसिव का यही मतलब होता है कि ये डिजीज टाइम के साथ बढ़ती जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें जब एडवांस केसेस आ जाते हैं तो फिर उसमें तो जाहिर है कुछ नहीं हो सकता, उसमें फिर ज्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो अर्ली अगर डायग्नोज हो जाता है तो रिस्क फैक्टर्स को आप मॉडिफाई करके तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट होते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है इसके साथ, अल्जाइमर्स के साथ, तो उनमें फिर ये डिजीज और वर्स हो जाती है। तो अगर आप इन सिम्टम्स को अर्ली अगर कंट्रोल कर लें तो फिर ये डिजीज की प्रोग्रेशन को भी इफेक्ट कर सकता है, मतलब बेहतर कर सकता है इसको। एब्सोल्युटली, और जैसे कि आपने बताया कि ये अल्जाइमर्स जो है वो एक मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया है, राइट? जी एंड इसको अगर हम अपने लिसनर्स और व्यूअर्स को अगर समझाना चाहें कि इसके जो अलामात होते हैं, जो बेसिक अर्ली सिम्टम्स या साइंस होते हैं, वो जी उनमें से क्या वो वैसे वाले अलामात हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? अच्छा, इसमें देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अर्ली जो शुरू होती हैं, उसमें ये होता है कि पेशेंट जो है वो अपनी रिसेंट जो मेमोरी होती है वो उसमें उसको प्रॉब्लम होता है। इसकी चार स्टेजेस होती हैं इस बीमारी की। एक तो होती है जिस डिजीज की जो है वो क्लिनिकल सिम्टम्स होने से पहले शुरू होती है, जिसको प्रोड्रोम फेज कहते हैं, और फिर एक इसके बाद जो आती है डिजीज वो माइल्ड स्टेज है इसकी, फिर मॉडरेट है, फिर सीवियर है, या एडवांस कह सकते हैं आप उसको। तो जो इसके जो अर्ली शुरू शुरू में यही होता है कि पेशेंट्स को अपना छोटी मोटी चीज़ें भूलना शुरू कर देता है, जैसे कि किसी का नाम भूल गया आपने, कुछ रिलेटिव्स हों जिसके साथ उसका मिलना जुलना नहीं है, दूर के रिश्तेदार हों उनके नाम भूलना शुरू कर देता है, या कीज अपनी रख के भूल जाता है, या अपनी जो चीज़ें हैं उसकी वो जो कि वो डेली यूज़ करता है उसमें उसको प्रॉब्लम होता है। तो कुछ लोग इसको, जो उसकी फैमिली है वो ये समझती है कि शायद ये एज रिलेटेड कुछ चेंजेस हैं जिसकी वजह से, एज की वजह से शायद ये भूल रहे हैं, लेकिन हालांकि वो एज की वजह से नहीं होता, वो डिजीज़ का एक प्रोसेस है, तो उसमें ये शुरू हो जाता है। शुरू में रिसेंट मेमोरी ख़राब होती है पेशेंट की, जब ये केसेस बढ़ते जा मतलब ये डिजीज़ बढ़ती जाती है तो फिर इसमें वो एडवांस केसेस हो जाती है, एडवांस डिजीज हो जाती है, फिर रिमोट मेमोरी मतलब जो पुरानी जो बातें हैं वो भी पेशेंट भूल जाता है। इसमें जो अर्ली जो चीज़ें हैं वो ये है कि उसकी रिसेंट मेमोरी जो है वो भूल जाता है, जैसे उसने नाश्ता किया वो उसको याद नहीं रहेगा मैंने क्या किया था, याद आ जाएगा थोड़ी देर बाद हो सकता है, लेकिन वो अर्ली उसको रिकॉल नहीं कर सकता उसको, क्योंकि उसमें रिसेंट मेमोरी जो है वो पेशेंट वो रजिस्टर नहीं होती उसमें ब्रेन में। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें वो जो एरिया है, एक एरिया का नाम है हिप्पोकैम्पस, वो अर्ली इसमें होता है इफेक्ट,
और उसके बाद एक और एरिया है वो इन्वॉल्व होता है, एमिग्डाला, तो वो इन्वॉल्व होता है और पूरा ये ब्रेन में इसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इसमें एक एबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाती है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं तो उनकी एबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाती है, उसकी वजह से न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते। जो जो इनकी ट्रांसमिशन होती है, सिग्नल्स होते हैं बेसिकली, जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स के थ्रू। तो न्यूरॉन्स जब डाई होना शुरू हो जाएंगे, उनके आपस में कनेक्शन लॉस हो जाता है इस बीमारी में, तो उसमें फिर वो कम, तो उसमें शुरू में तो यही सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट छोटी छोटी मोटी चीज़ें भूलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये डिजीज़ बढ़ती जाती है तो फिर उसमें और भी प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। पेशेंट को बिहेवियर उनका चेंज हो जाता है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, एग्रेशन, मूड उनका ख़राब होता है, कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ लोगों का मूड हाइपर हो जाता है, गुस्सा करते हैं, ठीक है। और दूसरा उनको रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे डिजीज़ बढ़ती जाती है, ठीक है। और उनके और प्रॉब्लम ये होता है कि वो उनको मोटर स्किल जो हैं हमारे वो ख़राब हो जाते हैं इसमें इसमें पेशेंट्स के। तो उनको आप कहें कि माचिस कैसे जलाते हैं, आप तीली जला के दिखाएं, तो वो आपको नहीं करके बता सकते, जो एडवांस मैं बता रहा हूँ जो केसेस जिस तरह बढ़ते जाते हैं, या वो ड्राइव करना भूल जाएंगे या रास्ता भूल जाएंगे घर का, ठीक है। तो इस तरह जब डिजीज़ बढ़ती जाती है फिर एडवांस में तो वो पेशेंट टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपनी फैमिली पे। जी डॉक्टर आफ्ताब, जब हम बात करते हैं 65 एंड अप, एंड ये ग्लोबल स्टैट है कि अल्जाइमर्स कैन सेट इन 65 एंड ओल्डर, लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे में जहाँ पे, एंड हम लोग अभी और भी इसके साइंस एंड सिम्टम्स एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे में जहाँ पे एज का माइंडसेट जो है, एनीबडी जो 45-50 क्रॉस कर रहा होता है उसको एक बहुत ही बूढ़े नज़रिए से देखा जाता है कि आप बूढ़े हो रहे हैं। तो इन जनरल पाकिस्तानी सोसाइटल कल्चर जो है, जहाँ पे बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप देखा जाए, 80 साल लोग, 70 साल लोग अभी भी हाइकिंग कर रहे होते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं, तो क्या ये अर्ली ऑनसेट ऑफ एज माइंडसेट अल्जाइमर्स को अफेक्ट करता है इन एनी वे? हाँ, देखिए ये वैसे डिजीज़ तो ओल्ड एज ग्रुप की है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि यंग जो है वो लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकती, या यंग लोगों को नहीं होती। 40 इयर्स वाले लोगों को भी, पेशेंट्स को देखा है हमने कि उनको भी ये बीमारी हुई है, डिजीज़ हुई है। और उसके देखें, इसमें एक तो जेनेटिक इसका होता है, कॉज होता है, और दूसरा फेमिलियल होता है, और एक स्पोरैडिक होता है, मतलब वो जो तो फैमिली हिस्ट्री होती है, अगर किसी को अल्जाइमर डिजीज़ है और उनकी फैमिली जो है इमीडिएट जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ये डिजीज़, ज़रूरी नहीं है 65-70 ईयर्स एज में इफेक्ट करे, उनको अर्ली भी कर सकती है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि ये ओल्डर एज ग्रुप की डिजीज़ है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनकी एज 65+, 70+, तो और जिनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, स्मोकिंग, अल्कोहल, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनमें फिर ये सिम्टम्स और जल्दी शुरू हो जाते हैं या नज़र आने लगते हैं उनको, मेमोरी के प्रॉब्लम, अगर उनको इसके साथ कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं तो। बिल्कुल, एंड जैसे कि आपने कहा कि शुरू होता है मेमोरी लैप्सेस के साथ, तो एकदम से ऐसे नहीं होता कि मेमोरी लॉस हो जाती है, हल्के हल्के मेमोरी लैप्सेस होते हैं जहाँ पे वो स्टेटमेंट्स रिपीट करें, अपनी की भी चीज़ों को भूल जाएं, अगर नाश्ता जैसे कि आपने बताया कर चुके हैं वो भूल जाएं, कोई ऐसी उनकी बातचीत हुई हो किसी घर वाले के साथ जो वो भूल जाएं, दवाइयाँ अगर लेना भूल गए तो दोबारा उन्होंने ले ली है, विच कैन ऑल्सो बी ट्रिकी क्योंकि वो फिर डबल डोजिंग हो जाती है। जब वो अपनी नोन जगहों में भूलना शुरू कर दें, तो जैसे जब भूलना सेट इन होता है, जैसे आपने बताया कि एड्रेस भूल जाना, या मैं कहाँ पे हूँ भूल जाना, या अपने घर वालों के नाम भूल जाना, ये जब सेट इन करता है तो फैमिली पे भी बहुत अफेक्ट होता है, एक कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एक बहुत घर में एक अफेक्ट आता है। तो जो घर वाले हैं उनको क्या हम समझा सकते हैं कि वो बेहतर तरीके से अपना और अपने प्यारे का ख्याल रख सकें? जी हाँ, इसमें देखें ये डिजीज़ जो अर्ली स्टेजेस हैं उसमें तो पेशेंट अपना टेक केयर खुद कर सकता है, जैसे डिजीज एडवांस होती जाती है वो डिपेंडेंसी पेशेंट की अपनी फैमिली पे बढ़ती जाती है, और एडवांस केसेस में तो वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं। तो फैमिली को यही समझाना है, अगर हमने पेशेंट को अर्ली या
फिर उसको डायग्नोज कर लिया, उसकी जो डिजीज है एडवांस स्टेज आने से पहले, तो उनको ये बताने कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये टाइम के साथ बढ़ेगी और आपने इस पेशेंट का टेक केयर करना है, और इनकी जाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी समझना होगा क्योंकि वो पेशेंट जाहिर है खुद से नहीं कर रहे होते ये प्रॉब्लम, जाहिर है उनको एक डिजीज़ है, तो वो कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ये कुछ इनका बिहेवियर इग्रेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जाहिर है एक प्रॉब्लम तो है, और उसको हम मेडिसिन से भी करते हैं, काउंसलिंग से भी करते हैं, हमें सिर्फ मेडिसिन का रोल नहीं है इसमें, इसमें बिहेवियर और साइकोलॉजी, ये सब साइकोलॉजिस्ट से भी हेल्प हम लेते हैं इसमें ज़रूरत पड़ती है तो फैमिली को ये समझाना है कि इनका टेक केयर करना, ये आम पेशेंट नहीं है, इसमें इनको एक तो दवाइयों का ख्याल रखना है और इनकी जो मेडिकल कंडीशन है उनको भी देखना है साथ में, और इनको फॉल होने से बचाना है क्योंकि ये पेशेंट गिर सकते हैं, इनको इतना पता नहीं होता, इनकी जजमेंट इतनी अच्छी नहीं होती, पुअर होती है जजमेंट, तो ये ऐसे पेशेंट में फॉल्स होते हैं, अगर फॉल्स हो गए तो फिर उनको ब्लीडिंग हो सकती है, कहीं ब्रेन में भी हो सकती है, फ्रैक्चर्स होते हैं ऐसे पेशेंट में क्योंकि एल्डरली हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होती है ऐसे पेशेंट्स में, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं उनकी, तो इनके बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो फैमिली को ये बताना है कि तो ये डिजीज़ है लेकिन ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और इसका क्योर तो नहीं है लेकिन हम इसको बेहतर कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं वेस्टर्न में जो कि इस बीमारी के साथ अच्छी लाइफ गुजारते हैं लेकिन उनको सपोर्ट होती है, एक तो फैमिली की अगर नहीं होती तो उनको माशरा सपोर्ट करता है या कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, हेल्प करते हैं उनको मेडिसिन की, जो भी सपोर्ट है वो करते हैं, तो फैमिली को यही बताना है कि ये डिजीज़ है ब्रेन की और ये बढ़ेगी लेकिन आपने इनका ख्याल रखना है, इनको गिरने से बचाना है, मेडिसिन टाइम पर देनी है और इनकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको उनका रेगुलर चेकअप करें, करवाते रहें इनका और उसको कंट्रोल रखें। डॉक्टर आफ्ताब, आपने मेंशन किया कि अल्जाइमर्स डिजीज, दिस इज अ नोन फैक्ट कि अल्जाइमर्स का कोई क्योर नहीं है, इसका इसका कोई हल नहीं है इस बीमारी का, लेकिन इसके लिए बेहतर एक केयर करना अपने डॉक्टर के साथ, अपने न्यूरोलॉजिस्ट के साथ मिल के, अपने घर वालों के साथ मिल के अपने प्यारे का ख्याल रखना इज द की एफर्ट जो आप एक साथ मिल के रख सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि बैरून मुल्क में, बाहर के ममालिक में बहुत अच्छी जिंदगियां भी गुजारते हैं जो लोग अल्जाइमर्स के साथ जी रहे होते हैं, इसका लाइफ स्पैन क्या हो सकता है? एक इंसान जो अल्जाइमर्स के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उनका लाइफ स्पैन कैन इट गेट हिंडर्ड या इट कैन बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल? नहीं, इसमें देखिए ये काफ़ी इसमें मैंने बताया आपको कि सिर्फ अगर किसी को अल्जाइमर्स है और कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो उनमें तो काफ़ी ये लाइफ स्पैन उनकी काफ़ी अच्छी गुजरती है, नॉर्मल लाइफ स्पैन भी गुजार सकते हैं वो जितनी दूसरे लोगों की है वैसे ही, लेकिन जो दूसरे अगर के साथ कुछ और प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशन है, तो वो फिर अगर उनका वो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, पेशेंट के अनकंट्रोल्ड हैं प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, या इनको छोटे छोटे स्ट्रोक्स हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट में कभी कभार स्ट्रोक्स भी हो रहे होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रोक जो कि बाज़ार नज़र नहीं आता, उनको फालिश के अटैक होते हैं, शरियाने ब्लॉक होती हैं, उसमें वेस्कुलर डिमेंशिया भी कहते हैं उसको, इस बीमारी को, तो वो भी होते हैं ऐसे, तो उसमें कंट्रोल रखना होता है हमें पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स को, और ब्लड थिनर्स जो भी है उनको देना पड़ता है ताकि ये और बढ़े नहीं प्रॉब्लम उनका ना, तो इसमें बस यही है कि पेशेंट को जो है वो अच्छा सपोर्ट चाहिए होती है और उनका जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो इफेक्ट कर सकती है, सिर्फ अल्जाइमर्स के साथ जो है वो काफ़ी अच्छी लाइफ गुजारते हैं और नॉर्मल लाइफ स्पैन उनकी हो सकती है, लेकिन डिजीज़ ज़ाहिर है ये ऐसी डिजीज़ है कि ये बढ़ती जाती है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और इसका लाइफ स्पैन तकरीबन 15-20 ईयर्स 25 ईयर्स तक चलता है और ये इसके सिम्टम्स 10 से 15 साल पहले ब्रेन में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं इसमें, और ये फिर बाद में जो है वो इसके सिम्टम्स तब आते हैं जब इसका काफ़ी ब्रेन को ये अफेक्ट कर चुकी होती है, फिर इसके आते हैं, वरना अर्ली इसके सिम्टम्स नहीं आते, तो इसको आप अर्ली डिटेक्ट जो है वो एक तो क्लिनिकली उसके साइन सिम्टम्स से थोड़ा कर सकते हैं और दूसरा पैट स्कैन होता है वो करते हैं, जो कि अवेलेबल पाकिस्तान में हर जगह नहीं है, एक दो जगहों पे है लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करते हम उसको, क्योंकि वो अभी उसके लिए स्टडीज़ और ये सब है और काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। बिल्कुल, डॉक्टर सिकंदर अली मेमन आप पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द स्पेसिफिक एज ऑफ अल्जाइमर, एंड डॉक्टर आफ्ताब लगारी बता चुके हैं कि 65 ईयर्स एंड ओल्डर, लेकिन 40s में भी
ऐसे केसेस आए हैं जो इनमें पाया जाता है. डॉक्टर आफ्ताब, आपने अभी बताया कि देर आर, जैसे आपने बताया, टेस्ट वगैरह हैं. जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, अगर किसी की फैमिली में है हिस्ट्री ऑफ अल्जाइमर्स, तो उनको क्या करना चाहिए टू बी माइंडफुल या वॉचफुल ऑफ एनी अदर केसेस? डॉक्टर आफ्ताब, आपको मेरी आवाज आ रही है? में अर्ली जो सिम्टम्स है, जी जी आ रही है, बीच में थोड़ा सा लैग हो गया था. जी जी, अच्छा, तो इसमें देखें जो फैमिली, जी जी, आपका सवाल यही था कि उनकी जो जो फैमिली है, जो उनको क्या करना चाहिए सिस्टम में, जो अर्ली अगर होती है तो, ये आपका सवाल जी था? जो जिनके 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 जेनेटिक्स में या जिनके खानदान में ऑलरेडी केसेस हैं अल्जाइमर्स के, तो उनको क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेने चाहिए? उनको देखिए, एक तो अपना इसमें बेसिकली हमें यह देखना होता है कि इससे पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल जो है ना, वो थोड़ा बेहतर करना पड़ता है, क्योंकि ये डिजीज जो ब्रेन की डिजीज है वो और जल्दी डिटोरिएट हो जाते हैं. ऐसे पेशेंट अगर इनमें, और अगर आपने दूसरी चीजों को एड्रेस नहीं किया, कि आप डेली वॉक करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें, और अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स कुछ मॉडिफाइबल हैं, कुछ जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे एज है, आप इसको तो मॉडिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन है, या फिर आपको कोई और मेडिकल कंडीशन है, आप उसको तो आप बेहतर कर सकते हैं. तो अगर, और दूसरा क्या है, हेल्दी लाइफ स्टाइल उनको हम कहते हैं, कि अगर आपको फैमिली में है तो अपना, और अपना रेगुलर अपना चेकअप करवाना. अच्छा, आवाज आ रही है आपको अभी? अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है. आपने बताया कि रेगुलर चेकअप करा सकते हैं उनका अपना, देखें इसमें रेगुलर जो उनके रेगुलर चेकअप्स हैं वो उनको होने चाहिए, और साल में एक दफा न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लें और अपना असेसमेंट करवा लें न्यूरोलॉजी का, कि उनको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है. इसमें हम मिनी मेंटल एक सिस्टम होता है, एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, वो भी हम करते हैं क्लिनिक में, देखने के लिए कि पेशेंट का स्कोर क्या है अभी, उसको कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट तो नहीं है उसको, या फिर अभी उनको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई है. उसमें डिफरेंट चीज़ें हम देखते हैं, पेशेंट को रीडिंग राइटिंग स्किल्स देखते हैं, पेशेंट की कैलकुलेशन देखते हैं कैसी है अगर वो पढ़ा लिखा है तो, और ओरिएंटेशन देखते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं. उसका एक पूरा एक फॉर्म होता है, वो हम उसको देख उसको फिल करते हैं, और पेशेंट से पूछते हैं हिस्ट्री में भी, और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं कि इस पेशेंट में कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है या नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर आफ्ताब, जब हम बात कर रहे थे मेडिकेशन का, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी क्लाइंट्स, काफ़ी पेशेंट्स का आप मेडिकेशन से भी कंट्रोल करते हैं ग्रोथ या उनकी डिजीज की जो प्रोग्रेस रेट जो होता है, तो अगेन बिकॉज देयर इज़ नो नोन क्योर फॉर अल्जाइमर्स, जब हमारे माशरे में, पाकिस्तानी कम्युनिटी में सेल्फ मेडिकेशन का एक बहुत दौर है, एक बहुत ट्रेंड है, आपके जो क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं उसमें कितने फैमिली मेंबर्स होते हैं या कितने ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं? सेल्फ मेडिकेशन से ऐसे कम, जो मेरे अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, तो उसमें ज़्यादा नहीं, पेशेंट ऐसे नहीं है जो कि सेल्फ मेडिकेशन करते हैं. बहुत कम लोग हैं ऐसे जिन्होंने, जो मेरे पास आया और उन्होंने बताया कि उन्होंने, उनको ये प्रॉब्लम हुआ और उन्होंने शुरू कर दी. हाँ, लेकिन वो दूसरी चीज़ें कर रहे होते हैं, जैसे हकीमी इलाज है या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, तो ये मैंने काफ़ी चीज़ें नोट की कि वो ये चीज़ें कर रहे होते हैं, और जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसका कम करते हैं. मतलब जो इसकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली डिमेंशिया की, बाकी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और डिजीज में, जैसे हेडेक हो गया और चीज़ें हो गई, लेकिन इसमें इसमें क्योंकि इतनी अवेयरनेस है नहीं, और दवाओं का भी ज़्यादातर नहीं पता होता पेशेंट्स को, वो मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है वो कम लोग ही हैं ऐसे जो कि सेल्फ मेडिकेशन करते हुए हमारे पास आए क्लिनिक में. एज ए न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आफ्ताब, आपके क्लिनिक में इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, हर किस्म के अपने यू नो डिफरेंट अलामत लेके, डिफरेंट बीमारियां लेके, इन टर्म्स ऑफ अल्जाइमर्स, जब आप किसी को अगर बताना चाहें कि वो अपने अपने ब्रेन
जैसे कि हम न्यूरॉन्स और उनके ट्रांसमिटर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो लोग अपनी मेमोरी को, अपनी मेमोरी मसल को, अपने ब्रेन की मसल को किस तरह वायर्ड रख सकते हैं या किस तरह जॉग कर सकते हैं ताकि वो हेल्दी रहे? डॉक्टर आफताब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, थोड़ा बीच में आपका वो, श्योर, नो प्रॉब्लम. मैं ये कह रही थी कि आपके, जी आपके आपको आ रही आपके आवाज? क्लिनिक, बिल्कुल आ रही है. आपके क्लिनिक में बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारी अलग अलग बीमारियों के साथ आते हैं, लेकिन अगर हम फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जैसे कि आप हमें बता रहे थे कि जो न्यूरॉन्स हैं, यू नो, उनका एक बहुत बड़ा किरदार होता है हमारी ब्रेन एनर्जी और सिनर्जी में, न्यूरोट्रांसमिटर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो आम इंसान अपनी ब्रेन को, अपनी मेमोरी मसल को किस तरह एक्टिवेटेड रख सकते हैं, किस तरह वाइड रख सकते हैं ताकि उनका ब्रेन हेल्दी रहे? अच्छा, एक तो ब्रेन एक्सरसाइजेस होती हैं, वो भी हम कोई टास्क होते हैं, और आजकल तो एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल में भी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसमें डिफरेंट टास्क दिए होते हैं, तो वो अगर आप डेली करते रहें उनको, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें भी आता है कि ये वाली चीज़ें आपने करनी है, कुछ कुछ गेम्स होती हैं ऐसी जिसमें ब्रेन को थोड़ा आप एक्टिवेट रखते हैं, ठीक है, और तो इस तरह की चीज़ें करने से, और आजकल तो एप्लीकेशंस भी आ रही हैं इसमें, मोबाइल पे भी एप्लीकेशंस हैं जो कि आप उसको डाउनलोड करके वो डेली आप उसको कोई टास्क होता है उसमें वो आप करके कुछ ब्रेन की जो ओरिएंटेशन है उसको एनहांस करती हैं, पेशेंट की मेमोरी को थोड़ा बेहतर करती हैं, थिंकिंग को वो करती हैं, तो इस तरह की हैं चीज़ें, एप्लीकेशंस भी हैं, और दूसरा इसमें हेल्दी डाइट का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, ऐसी चीज़ें जो कि जिससे वेट बढ़े, आपकी आपकी शुगर बढ़े, वो उसका भी अच्छा वो है रोल है कि अगर आप वो अपनी हेल्दी डाइट रखेंगे और रेगुलर एक्सरसाइजेज जो लोग करते हैं उनमें ये डिजीज़ जो है उसको आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर उसको काफ़ी अर्सा और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि सारा दिन एक ही जगह बैठे रहें या फिर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जैसे कहते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बैठे रहें, हाँ, चलना फिरना कम हो उनका, ओवरवेट हो, ओबेसिटी हो, तो उनमें फिर ये डिजीज़ और ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करती है बनिस्बत उन लोगों के जो लोग इसको मॉडिफाई करते हैं अपने लाइफस्टाइल को। तो आजकल तो बहुत ये वो है कि आप इसको डाउनलोड करें, ये एप्लीकेशंस हैं अवेलेबल, फ्री हैं, वो कर सकते हैं मोबाइल पे और डेली कोई टास्क कर सकते हैं। तो ब्रेन को बेसिकली एक्टिवेट रखना है, कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी रखें, बुक्स पढ़ें और चीज़ें, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हेल्दी आप देखें कोई जो आपकी ब्रेन जिसमें आप ऐसा नहीं हो कि आपको अवेयरनेस ही नहीं हो, जाहिर है उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें जो लोग पढ़े लिखे कम हो, ये डिजीज़ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें देखा गया है, जो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उनमें कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती लेकिन उनमें कम होती है, और जो कम जिनके एजुकेशन लेवल थोड़ा कम है उनमें ज़्यादा देखी गई है। डॉक्टर आफ्ताब, आपके क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जो वेरिएंग मतलब के प्रेजेंटिंग फैक्टर्स आपको बताते होंगे कि ये हो गया, ये हो गया, एंड जैसे कि आपने बताया कि अल्जाइमर्स अकेले नहीं होता, अगर वो अकेले होता है तो उसकी डिफरेंट उसकी जर्नी होती है, और अगर कपल्ड होता है वो बहुत सारे कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ, तो उसके बहुत अलग प्रेजेंटिंग फैक्टर्स होते हैं, मेडिसिंस एक्सेट्रा, डिजीजेस एक्सेट्रा। जब आपके पास क्लिनिकल, एक क्लिनिकल थ्योरी होती है और एक क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है जो हमारे पाकिस्तानीज आ रहे हैं आपके पास, उनके अंदर आपने क्या देखा है कि एज अ न्यूरोलॉजिस्ट अमूमन आप काउंसलर का भी रोल अदा कर रहे होंगे, डॉक्टर का भी रोल अदा कर रहे होंगे, इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव सपोर्ट ग्रुप्स जो इस बीमारी की, जो इस बीमारी से गुजर रहा है पेशेंट और उसके घर वाले, उनके लिए सपोर्ट बन सके? जी बिल्कुल, इस तरह के ग्रुप्स हैं लेकिन बाहर ज़्यादा हैं, हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह के ग्रुप्स कम हैं, लेकिन हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और आजकल फेसबुक पे हर ग्रुप है और लोग व्हाट्सएप पे भी बना लेते हैं ग्रुप्स, तो उनमें होता है वो आपस में डिस्कस भी करते हैं चीज़ें, अपने पेशेंट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है और हमारे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, तो आपस में डिस्कस भी करते हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प आउट हो जाती हैं चीज़ें जो
और उनको जो चीज़ें वो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जैसे कुछ साइकोलॉजिकल सपोर्ट है या फिर उनको कोई फिजिकल थेरापी की कोई सपोर्ट है, तो वो इस तरह की चीज़ें आपस में कम्युनिकेट करके वो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसकी एक तो अवेयरनेस भी कम है और ऐसे ग्रुप्स कम हैं, ऐसे बहुत कम है, नहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरह हमने बाहर वेस्टर्न में देखा है तो वहाँ बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं और सब सपोर्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी उनको सपोर्ट होती है ऐसे पेशेंट्स को। बिल्कुल. एंड इसी वजह से शिफाम के ज़रिए हम और आगाही रेज करना चाह रहे हैं ताकि आम इंसान को ये पता चल सके कि ये इतनी सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें आगाही नहीं होती, और इनके हल भी हैं, इनके मेडिकेशन भी है, इनका रहने सहने का तरीका भी है, उनको आइडेंटिफाई करने का भी तरीका है. यस, अल्जाइमर्स का कोई क्योर नहीं है, लेकिन इस प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि आपने अभी हमें बताया सेशन में. डॉक्टर आफ्ताब, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बडिंग न्यूरोलॉजिस्ट को बताना चाहेंगे एज अ प्रैक्टिशनर जो इस फील्ड में इतने अरसे से हैं? अच्छा, इसमें देखें अल्जाइमर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें डिमेंशिया जाहिर एक जो दूसरी कॉजेज भी देखनी होती हैं कि क्योंकि ये तो एक ट्रीटेबल मतलब क्योरेबल डिजीज नहीं है, लेकिन कुछ कॉजेज डिमेंशिया के ऐसे हैं जो कि जिनको क्योर किया जा सकता है, तो वो उसको ज़रूर देखना चाहिए ऐसे पेशेंट्स में। एक तो हिस्ट्री हमें अच्छी पेशेंट की लेनी पड़ती है और लेनी चाहिए पेशेंट की, और एक न्यूरोलॉजिकल कंप्लीट एग्जामिनेशन और फिर रेलेवेंट टेस्ट। तो कुछ डिजीज ऐसी हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं, उसमें स्मॉल वेसल्स जो होती हैं ब्रेन में वो उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, तो वो पेशेंट्स जो हैं वो भी इसी तरह प्रेजेंट करते हैं हमारे पास डिमेंशिया के साथ। वो ट्रीटेबल है डिजीज़ और उसको आप रोक सकते हैं, उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं अगर उसके रिस्क फैक्टर कंट्रोल करें। दूसरी एक डिजीज़ होती है जिसको नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस कहते हैं, इसमें ब्रेन का जो जो CSF है पानी है ये बढ़ जाता है, तो उसमें पेशेंट्स को मेमोरी के प्रॉब्लम होते हैं और वो गिरते हैं, उनको वॉकिंग डिफ़िकल्टी होती है और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है उनको, जो यूरिन के प्रॉब्लम्स हैं कंट्रोल ख़राब हो जाता है यूरिन का। तो ये ट्रीटेबल डिजीज़ हैं, तो इनका इसमें मुकम्मल पेशेंट बेहतर हो जाते हैं, उनकी मेमोरी भी सही हो जाती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब बेहतर हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी और वाइटामिन की कुछ डेफिशिएंसी, वाइटामिन B12 है या थायराइड के प्रॉब्लम है, तो ये हम हर पेशेंट में चेक करते हैं। हमें वैसे हमारा मकसद ये होता है बेसिकली कि हम ट्रीटेबल कॉज मिस ना करें, क्योंकि डिमेंशिया के कुछ ट्रीटेबल कॉजेज भी हैं, उसमें मैंने आपको बताया एक तो पानी का भर जाना जिसको नॉर्मल प्रेशर NPH कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, और वैस्कुलर डिमेंशिया जैसे मैंने आपको बताया, और कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं जैसे वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, B12 हम करवाते हैं पेशेंट्स का जो हमारे पास मेमोरी के प्रॉब्लम के साथ आते हैं, थायराइड का टेस्ट करवाते हैं TSH ताकि देखें उनको ये कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसमें भी इस तरह के पेशेंट्स में होता है। और दूसरा डिप्रेशन भी कॉमन है, उसमें भी इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स में कि वो डिप्रेस हो जाते हैं। जाहिर है जो पेशेंट डिप्रेस होगा वो फिर उसको अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उससे भी इतना वो नहीं होगा, अवेयर नहीं होगा, और उसमें ऐसा लगेगा जैसे ये भूल रहा है चीज़ें क्योंकि वो जी कंसंट्रेट ही नहीं कर रहा उस चीज़ पे, क्योंकि उसका फोकस ही कहीं और है, ज़ाहिर परेशान है डिप्रेस है, तो वो कैसे बिल्कुल वो रजिस्टर करेगा चीज़ें जहन में। तो स्टूडेंट भी आते हैं जैसे हमारे पास आते हैं बच्चे आते हैं या कॉलेज के कि हमें याद नहीं आती चीज़ें हम भूल जाते हैं, ज़ाहिर उनको अल्जाइमर्स तो नहीं है उनके और इश्यूज होते हैं उनके ऐसे पेशेंट्स के। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कि हमें देखनी चाहिए ऐसे ऐसे जो आते हैं, जो भी डिमेंशिया का पेशेंट आए उसको हम एल्जाइमर्स लेबल नहीं करेंगे, उसको हम पहले देखेंगे वर्कअप करेंगे उसका, उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे पूरा कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और फिर रेलेवेंट जो टेस्ट हैं वो करेंगे, और ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम MRI भी करवाते हैं ऐसे पेशेंट्स का, और जो ट्रीटेबल डिजीज हैं वो देखते हैं कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन भी हैं ब्रेन के उसमें भी इस तरह हो सकता है, जैसे HIV है, वो HIV में भी पेशेंट डिमेंशिया के साथ आते हैं, अगर आप उसको ट्रीट करें बेहतर हो जाते हैं कुछ। साइंस इज़ सो फैसिनेटिंग एंड मेडिसिन इज़ इवन मोर फैसिनेटिंग. जैसे कि आपने हमें बताया डॉक्टर आफ्ताब के रिड्यूसिंग अपनी रिस्क मल्टीपल डिजीज़ की, जैसे कार्डियोवैस्कुलर हो गया, स्मोकिंग हो गई, और सब्सटेंस इंटेलिजेंस हो गई,
हेल्दी बैलेंस मेंटेन करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्सरसाइज रखना अपने रूटीन में, डायबिटीज़ को रिड्यूस करना और रेगुलर अपना चेकअप करवाना, ब्लड प्रेशर आपका इन चेक रहे एंड कंट्रोल रहे, ये सारी चीज़ें आपने हमें बताई। लेकिन जब हम बात करते हैं अगेन सम फैक्टर्स जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं फॉर कॉजिंग डिमेंशिया, अगर हम थोड़ा सा डिमेंशिया के ऊपर बात करें, तो वो क्या फैक्टर्स हैं विच टेक अस टूवर्ड्स डिमेंशिया? उसमें देखिए, मैंने आपको पहले बताई, जैसे अभी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि डेफिशिएंसीज हों सर्टन विटामिंस की, सर्टन डेफिशिएंसीज कर सकती हैं, ये प्रॉब्लम एग्रीवेट कर सकती हैं प्रॉब्लम को। और दूसरा अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, और जैसे मैंने आपको बताया, और सबड्यूरल एक हेमाटोमा एक कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट एल्डरली पेशेंट फॉल के बाद गिर जाते हैं, वॉशरूम में गिर गए तो उनमें ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन में, वो भी इसी तरह प्रेजेंट करते हैं, पेशेंट के बिहेवियर चेंज हो गया इनका और ये समझ नहीं रहे, मूड खराब हुआ है, ख़राब है इनका। लेकिन उसमें और भी अलामत होती है, वीकनेस भी हो सकती है, पेशेंट को फिट्स भी पड़ सकते हैं, लेकिन उनमें मेमोरी के प्रॉब्लम भी होते हैं। तो वो जब अगर किसी में एल्डरली पेशेंट है और फॉल की हिस्ट्री है तो हम इसमें स्कैन करके देखते हैं कोई इनको ब्रेन में कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है, सबड्यूरल हेमाटोमा तो नहीं है अंदर, तो अगर है तो अगर आप उसको ड्रेन कर देते हैं न्यूरोसर्जिकली तो वो पेशेंट मुकम्मल तौर पर बेहतर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो हमें देखना होता है कि ये चीज़ें तो साथ में नहीं है पेशेंट के। Absolutely, थैंक यू सो मच डॉक्टर आफ्ताब, ये इतना एक इंफॉर्मेटिव सेशन था। जैसे कि डॉक्टर आफ्ताब ने हमें बताया कि हम अपनी ब्रेन का, हम अपनी मेमोरी का ख्याल रख सकते हैं, इसको हम यंग रख सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं बाय रीडिंग, बाय डूइंग सो मेनी थिंग्स, हम इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, कम्युनिटी हेल्प कर सकते हैं, हॉबीज ले सकते हैं, स्पोर्ट्स में एक्टिव रह सकते हैं और अपने अपने मेमोरी को एक्टिव और अलाइव रखने के लिए एज इज़ नो फैक्टर। जैसे मैं और डॉक्टर लगारी बात कर रहे थे कि एज एक फैक्टर नहीं है, तो अगर आप कहीं पे भी हो और अगर देसी कल्चर के अंदर एम्बेडेड हो तो उसमें से थोड़ा सा निकलें, क्योंकि एज इज़ जस्ट अ माइंडसेट, और अपने दिमाग को और एक्सपैंड करें, वसी करें एंड एक्सप्लोर करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर लगारी। डॉक्टर आफ्ताब इज़ विद अस विद शिफाम फॉर कंसल्टेशन एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, एंड आप कॉल करके वेबसाइट के ज़रिए या ऐप के ज़रिए डॉक्टर आफ्ताब के साथ अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं टू कंसल्ट हिम फॉर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ट्रीटमेंट एंड एब्सोल्युटली अल्जाइमर्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर लगारी। एंडिंग में आप कुछ कहना चाहें हमारी इन जनरल मैसेज से? जी, बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ये अल्जाइमर्स डिजीज, क्योंकि इसका हम इसका डे भी मनाते हैं, हर साल इसका एक डे भी मनाया जाता है इस बीमारी का, और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने करीबी रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में ऐसे मेम्बर्स देखें जिनको भूलने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उनको ज़रूर अपना उनको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, और वो लोग इसको इस तरह ना समझें कि ये बूढ़े हो गए हैं तो इसलिए भूल रहे हैं, क्योंकि हर पेशेंट में नहीं होता ये डिमेंशिया, नहीं होता। बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे जिनकी एज 80-90 ईयर्स है और वो माशाल्लाह बिल्कुल उनकी जो मेंटल अलर्टनेस है वो बहुत अच्छी होती है। तो सब पेशेंट में ऐसा नहीं होता, हमें ये देखना होता है कि ये डिजीज़ है और इसको ट्रीटेबल डिजीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ज़रूरी नहीं है सबको अल्जाइमर्स हो, काफ़ी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ट्रीटेबल काज होता है। तो अगर आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलेंगे, वो उनका मुआयना करेंगे और जो रेलेवेंट टेस्ट हैं करके देखेंगे कि ये इनको कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं हो रही, किसी विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं या फिर उनको कोई और ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है, कोई इनकी शरियाने ब्लॉक हो रही हैं, तो अगर वो ट्रीटमेंट उनको मिलेगी तो वो उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो उसको बेहतर कर सकते हैं और वो अपना खुद इंडिपेंडेंट अपना काम कर सकते हैं, तो उनको किसी सपोर्ट की फैमिली की क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे पेशेंट ज़ाहिर है हैंडीकैप हो जाते हैं, जब एडवांस डिजीज हो जाती है तो फिर फैमिली के लिए बड़ा उसको करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे पेशेंट्स को टेक केयर करना, क्योंकि इनको कॉन्स्टेंट केयर चाहिए पेशेंट्स को,
क्योंकि हमारे मुआशरे में बहुत मुश्किल है इसको करना रखना। थैंक यू सो मच डॉक्टर लगारी, थैंक यू सो मच इस अवेयरनेस सेशन का और आपके वक्त का। आई होप लोग नो नाउ एंड वो और भी बाय वर्ड ऑफ माउथ दूसरे लोगों को इन्फॉर्म कर सकें कि अल्जाइमर्स क्या होता है और कितना प्रेवलेंट है हमारे मुल्क में। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप सबका सैटरडे बहुत ही अच्छा गुजरे। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।